ये वाला नेक पीस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए है कार्डबोर्ड और उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया और बहुत सारे कट किए हुए हैं मैंने। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक कट कर रही हूँ। जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो वाला फोटो मुझे कस्टमर ने भेजा था, उन्होंने बोला था कि ये वाले ड्रेस की नेकलेस चाहिए तो मुझे आप बना के दो। मुझे कुछ ये वाला फैब्रिक दिया था और उसके मैचिंग का मैं नेकलेस बना रही हूँ। ये वाला जो फैब्रिक था वो साटिन और सिल्क का था, तो इसमें ना ग्लू चिपक नहीं रहा था पीछे के साइड, तो मैंने यहाँ पे सुई और धागा की मदद से उसको एंड्स के ऊपर स्टिच किया और फिर उसको पुल कर लिया और बीच में मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया था। ऐसे ही हमें बहुत सारे कवर करने हैं इयररिंग्स के लिए, हाथ फूल के लिए और नेकलेस के लिए। देखो मुझे भी पहले आइडिया नहीं था कि ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर हम कैसे काम करें, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो आपको भी ये हेल्पफुल रहेगा और आप चाहे तो आप भी ऐसा बना के सेल कर सकते हो। इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ी और फिर से बनानी पड़ी। ये वाला जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है, साटिन कह दो या सिल्क कह दो, तो उसके ऊपर मैंने ना लास्ट में नेट यूज़ की थी। नेट का फैब्रिक यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, तो सारे बेस हो गए है रेडी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वैक्सिंग स्ट्रिप लेती हूँ और उसको बीच में से काट देती हूँ और जो हमारा मेन पॉइंट सेंटर है उसके ऊपर मैं ग्लू करती हूँ, फिर उसके ऊपर पॉल पेस्ट कर देती हूँ जिससे हमें प्रॉपर पॉइंट मिल जाए और प्रॉपर फिनिशिंग आए। नीडल लेनी है, उसके अंदर बहुत सारे बीट्स इंसर्ट करने हैं, जैसे ये वाले मैंने पर्पल किए हुए हैं वो वाले, और फिर ग्लू करते जाना है। फिर मैंने यहाँ पे राइनस्टोन ले लिया, लास्ट में व्हाइट बीट्स लेने हैं और उसे पेस्ट कर देने हैं। ऐसे ही हमें बहुत सारे बेस रेडी करने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इयररिंग्स के दो और नेकलेस के एक बेस की तरफ। मैंने जो मेथड बताई उसी तरीके से मैंने इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लिया, उसके ऊपर मैंने ग्लू कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कुछ बीड्स जो कुछ चपटे शेप में है। अभी तक का सबसे मुश्किल वाला जो कोई मैंने ज्वेलरी बनाई हो तो ये वाली है। बहुत टाइम गया है इसके अंदर, मुझे 3 से 4 दिन लग गए इसको बनाने में, और मैंने जो ये वीडियो शूट किया था वो आधे घंटे से भी ज़्यादा का था और मैंने इसे 5 मिनट का कर दिया है। और बहुत लोग पूछेंगे मुझे कि आपने इसका कितना चार्ज लिया, तो मैंने इसके 600 रुपीज़ लिए हैं। आपको क्या लगता है मैंने सही चार्ज किया या कम चार्ज किया या ज़्यादा चार्ज किया, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फाइनली हमारे सारे बेस बन के हो गए हैं रेडी, इयररिंग, हाथफुल और नेक पीस का। अब हमें इसे आपस में स्टिच करना स्टार्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इयररिंग्स। तो इयररिंग्स के लिए नीचे वाले जो बेस में है उसको मैंने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया, इसको भी मैंने सेंटर पॉइंट से मार्क कर दिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ बीट्स और ये वाले जो व्हाइट आपको दिख रहे हैं बीट्स या जो भी बोलो, वो मैंने बहुत साल पहले जब सोमनाथ गई थी वहाँ से लेके आई थी। यहाँ पे हमारी फर्स्ट हैंगिंग हो गई है रेडी, ऐसे ही हमें 4 और बनानी है। देखते देखते हमारी हैंगिंग्स भी हो गई है रेडी, ऐसे ही हमें 2 बना लेनी है। जो छोटा वाला बेस बनाया था उसको हम लेंगे और उसको भी इसके पीछे के साइड स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। 5 से 6 टाइम हमें स्टिच करना है, तो जिससे हमारे इयररिंग्स मजबूत बने। तो देखते देखते हमारा बेस हो गया रेडी। अब मैं लूंगी यहाँ पे वैक्सिंग स्ट्रिप, उसको ग्लू गन की मदद से स्टिक कर दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने लिया है इयररिंग हुक और उसके जो बीट्स होते हैं उसको निकाल दिया और उसको फ्लैट कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसको ग्लू कर दिया है, फिर उसके ऊपर वैक्सिंग स्ट्रिप लगा देंगे। ठीक है सर, वैक्सिंग स्ट्रिप के ऊपर हम कलर भी कर सकते हैं। देखते हमारी सुंदर इयररिंग्स हो गई है रेडी, कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेकलेस बनाने की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज किया है इस ऑर्डर में हमारा नेकलेस बनेगा, तो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया। आपको यहाँ पे मार्किंग दिख रही होगी पेन की, वही मार्किंग मेरे हाथ में लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने सब जॉइंट कर दिया है, सब स्टिच कर रही हूँ। साइड का मैंने स्टिच कर लिया है, अब हम सेम ऐसे ही दूसरी साइड का हम स्टिच कर लेंगे। नेकलेस का जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे हम लगाएंगे जंप रिंग, उसको भी स्टिच कर देंगे। पीछे के साइड वैक्सिंग स्ट्रिप से कवर कर लेंगे। इसको सारे को मैंने कवर कर लिया है, फिर लास्ट में हमें बैक रोप लगा देनी है। हमारा नेकलेस हो गया है रेडी। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, हाथ फूल की तरफ। सेम वही मेथड हमें यूज करनी है, सब पीसेस को एक साथ हमें स्टिच कर देना है। यहाँ पे मैंने अपने हाथ के ऊपर रख के मैंने चेक कर लिया था कि ये मुझे छोटा पड़ेगा या परफेक्ट साइज का आएगा, तो मैं पतली हूँ तो मैंने यहाँ पे 5 रखे थे, फिर मैंने एक और ऐड कर दिया और टोटल 6 बना दिए, क्योंकि मेरी जो कस्टमर है वो मुझसे ज्यादा हेल्दी है। अब इसके नीचे की साइड हमें लगानी है एक चेन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड हमें लॉबस्टर हुक लगानी है और दूसरी साइड हमें जंप रिंग लगानी है, और फिर हमें लास्ट में वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है। अब हम लगाएंगे रिंग बेस, रिंग बेस को भी हमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें ऊपर से कवर करने के लिए वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है, जो मैंने इस तरीके के शेप में कट कर ली है। तो अब हमारा हाथ फुल भी हो गया है रेडी और ये है पूरा नेक पीस। कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।